का। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पूर्व डिप्टी कलेक्टर, जी हां, निशा बाकरी का इस्तीफा राज्य सरकार ने मंजूर तो कर ही लिया है, जिसके बाद उन्होंने अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो भी जल्द नामांकन दाखिल करेंगी, ये बात कही जा रही है निशा बाकरी की ओर से। बता दें कि निशा बाकरी बैतूल की आंवला विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनके त्यागपत्र पर फैसले में देरी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मनोज मालवीय को प्रत्याशी घोषित कर दिया। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब कांग्रेस पार्टी आमला सीट पर अपना प्रत्याशी बदल सकती है और निशा बांगरे को मौका दे सकती है। जी बिल्कुल, देखिए निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार होने का ही जो है इंतजार किया जा रहा था, और ये जानकारी भी थी कि निशा बांगरे जो है वो कांग्रेस की तरफ से बैतूल की आमला सीट से चुनाव लड़ सकती है। हम सीधे उनसे ही बात करेंगे कि अब उन्होंने क्या कुछ अपनी आगे की योजना बनाई है। निशा जी, आपका इस्तीफा एक लंबे इंतजार के बाद स्वीकार कर लिया गया है, पर हालांकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी आमला सीट से उतार दिया है, आपकी आगे की क्या रणनीति, क्योंकि हम आपका पोस्ट भी पढ़ रहे थे कि आप अब भी जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया था कि विधानसभा का चुनाव मुझे लड़ना है क्योंकि मैं लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आमला सारणी की जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं कि जिस तरीके से सौतेला व्यवहार उस विधानसभा के साथ हुआ है आज तक, उसको खत्म करने के लिए जनता चाहती है कि एक समर्पित व्यक्ति वहां पर उनका प्रतिनिधित्व करे। तो जनता के लिए, जनता की आवाज के लिए मैंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया है, अपनी नौकरी छोड़ दी है, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए समर्पित भाव से कार्य करूं। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जो वचन दिया था कि हम आखिरी के दो दिन तक आपके इस्तीफे होने का इंतजार करेंगे, तो इस्तीफा अब हो चुका है। अब कांग्रेस जिस तरीके से चार महीने से कह रही है कि हम आपके संघर्ष के साथ हैं, बीजेपी की सरकार आपके साथ गलत कर रही है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी, तो अब आज मैं जानना चाहूंगी कांग्रेस हमारे पक्ष में है या नहीं, और ये कांग्रेस की परीक्षा की घड़ी है। आज हमें अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि कल मुझे नामांकन पत्र भरना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर छुट्टी है। तो इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि कल जो है हम अपने समर्थकों के साथ पूरी जनता के लिए जो है अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मैम, क्या आपकी कांग्रेस के आला कमान पीसीसी चीफ कमलनाथ या किसी और नेता से इस बारे में मुलाकात या बातचीत हुई है जब आपका इस्तीफा स्वीकार हो चुका है उसके बाद? बिल्कुल, सुरजेवाला जी से मैंने बात की है, क्योंकि वो मेरे संपर्क में रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं, और कमलनाथ जी से व्हाट्सएप पे मैंने उनको भेज दिया है, उनका रिप्लाई अभी आया नहीं है। आज हमारे समर्थक उनसे मिलने वाले हैं, अगर वो समय देते हैं तो मैं भी उनसे पूछूंगी जाकर के, वो मुझे बताएं कि उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो टिकट देंगे। मैम, वचन की आपने बात की, अगर अब कांग्रेस अपने वचन से मुकरती, क्योंकि हालांकि अभी नामांकन में समय है कल तक का आपके पास, और पर वहां से जो है प्रत्याशी कांग्रेस ने ऑलरेडी जो है घोषित कर दिया है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस आपका साथ नहीं देती है तो आगे आपका क्या कुछ स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं वचन बद्ध हूँ अपने जनता के लिए, आमला सारणी की, प्रदेश की, देश की जनता के लिए मैं समर्पित हूँ और वचनबद्ध हूँ। उनका क्या स्टैंड है वो अपने साथ रह सकते हैं, लेकिन मैं अपनी जनता के साथ खड़ी रहूंगी। वो जो आदेश करेगी, मैं उस दल से या निर्दलीय मैं चुनाव लड़ूंगी और जनता की आकांक्षाओं को और उनके सपनों को पूरा करूंगी। तो जैसा कि निशा बांगरे का कहना है कि अब सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और वो इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जो उन्हें वचन दिया था, तो कांग्रेस उस वचन को लेकर के अपना क्या स्टैंड रखती है, और अगर कांग्रेस उनका साथ नहीं देती है तो वो निर्दलीय भी अपने विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुर्वे, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। तो